दोस्तों 2024 में अगर कोई आप एसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ एक अंडर बजट वाला ब्रांडेड एयर कंडीशनर जिसके अंदर आपको फीचर्स काफी एडवांस मिलने वाले और ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी बेहतर रहने वाले। इसके अंदर जो फीचर्स रहेंगे वो 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाएंगे, एयर क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको वारंटी काफी अच्छी मिल जाएगी और प्राइस तो अनबिलीवेबल इसका प्राइस आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए बेहतरी से जरूर ले पाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर कोई आप स्प्लिट एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हो और प्रिंटेड डिजाइन के साथ में हो, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक लॉयड कंपनी का एसी जो कि दोस्तों ये हैवेल्स ब्रांड का रहने वाला है। लॉयड कंपनी का जो एसी है इसके अंदर फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप मार्केट में एसी लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रांड देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इस एसी की ड्यूरेबिलिटी और दोस्तों इसके अंदर आपको सर्विस और ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी, साथ में इसके फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लॉयड कंपनी के एयर कंडीशनर के कौन कौन से आपको फीचर्स मिलने वाले हैं उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन एंड लुक के बारे में और इसके मॉडल नंबर के बारे में। तो ये वाला जो एसी आया था लॉयड कंपनी का, ये 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर आ जाएगा जो कि इनोवेटर टेक्नोलॉजी के साथ में रहेगा। इनोवेटर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और नॉइस लेवल दोस्तों बहुत ही कम करता है। दोस्तों इस एसी के अंदर आपको कंफर्ट कूलिंग मिल जाएगी, यानी कि जैसे भी आप रूम के अंदर इस एसी को लगाएंगे वहां पे आपको कंफर्ट कूलिंग मिल जाएगी। जब ऐसे ही आप इसका बटन प्रेस करेंगे वहां आपको कंफर्ट एकदम कूलिंग मिल जाती है। जैसे कि नॉन इन्वर्टर एसी में आपको कभी ठंडी लगती थी, कभी दोस्तों अचानक से आपको गर्मी लगने लगती थी, तो उस तरह की एसी के अंदर आपको लेने के बाद में प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये जो एसी है वो 3 स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है और ये प्रिंटेड डिजाइन के साथ में आ जाएगा, दिखने में काफी सुंदर लगता है। यहाँ से आप देखेंगे तो 3D पैटर्न लुक के साथ में रहेगा, यहाँ पे एक सिल्वर की आपको पट्टी मिल जाएगी जो कि इसको अट्रैक्टिव डिजाइन और बनाती है दोस्तों। और इसका जो पैनल आप देखेंगे तो पैनल जो रहेगा वो 3D कॉम के साथ में दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3D लुक के साथ में दीजिए तो इसकी सुंदरता को और एनहेंस करता है। तो याद आता है 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में इसी एसीसी में बात करते हैं इसके ISER लेवल की, तो ये 3.95 इसके अंदर आपको ISER लेवल मिल जाता है और इसका जो लेवल पीरियड होगा 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। इस एसी के मॉडल नंबर की बात करते हैं तो LS18I3FWSPC ये इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट वाला मॉडल है 2024 का। इस एसी की हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 100% में दोस्तों ये देता है आपको 4800 वॉट में और 50% कूलिंग कैपेसिटी के अंदर 2400 वॉट के साथ में दोस्तों। और जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है 940 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे सीजन के अंदर, यानी कि डेली आप इसे अगर आप 6 महीने यूज करते हैं डेली 8 घंटे तो ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है दोस्तों। ये ना दोस्तों एसी जो होता है वेरिएबल स्पीड पर वर्क करता है, यानी कि आपने वन टाइम ऑन कर दिया कोई टेम्परेचर इसके अंदर आपने लगा दिया तो ये जो एसी है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद बंद नहीं होता है, ये आपकी कूलिंग को बरकरार रखता है, बस अपनी स्पीड को कम ज्यादा करता रहता है। इसका वर्क प्रिंसिपल काफी अच्छा मिल जाता है, इस वजह से इसमें आपको कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और नॉइस लेवल भी कम करता है। और बात करते हैं इस एसी के बारे में तो इसमें आपको एक हिडन डिस्प्ले मिल जाती है, जब आप ऑन करेंगे तभी आपको टाइम टेम्परेचर शो होगा। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं इसके डिस्प्ले को तो आप बंद भी कर सकते हैं, रिमोट में आपके में ऑप्शन मिल जाता है। इस एसी की जो कंडेंसर्स होंगी वो 100% कॉपर के साथ में होती है, इंडोर टू आउटडोर तक यानी कनेक्टिंग पाइप भी इसमें आपको 100% कॉपर की मिल जाती है, यानी कि अगर आप बजट वाला एसी ले रहे हैं तो ये बजट वाला ही एसी लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में। ये बजट वाला एसी है, प्राइस की हम बाद में बात करेंगे क्या प्राइस रहने वाले इस एसी का दोस्तों। सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो 100% कॉपर के साथ में रहेगा, हिडन डिस्प्ले के साथ में रहेगा और इस एसी के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं जिन्हें आप एज पर योर कन्वीनियंट आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप 40%, 60%, 80%, 100% तक इस एसी को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस एसी के अंदर आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जैसे इसका आप 5-in-1 कन्वर्टेबल वाला मोड आप इसका यूज करेंगे तो 110% इसकी कूलिंग मिल जाती है आपको, जिसमें आपको 5000 वॉट से भी ऊपर की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है जो कि इंस्टेंट कूलिंग मिल जाती है और बरकरार आपको कूलिंग मिल जाती है, एकदम कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है। इस एसी के अंदर जैसे कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी है इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर की भी नीड नहीं रहती है, यानी कि इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की भी नीड नहीं है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहता है। हाँ अगर आपके यहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो आप इसके अंदर भी आप दोस्तों आप स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहता है, लॉयड वैसे भी इंडियन प्रोडक्ट है, हैवेल्स इंडियन प्रोडक्ट है, तो मेड इन इंडिया आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो आपको सर्विस
और पार्ट की अवेलेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर भी। और ये एसी दोस्तों आपको 52 डिग्री पर टेस्टेड मिलेगा, जो कि हाई एम्बिएंट पर टेस्टेड है, यानी कि आउटसाइड का कभी टेम्परेचर ज्यादा हो भी जाता है तो ये एसी तब भी आपको कूलिंग देगा। यानी कि बहुत सी एसी पहले से बंद हो जाते थे, तो ये बंद नहीं होगा, बस अपनी कूलिंग को थोड़ा सा कम कर लेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, वहीं हमें देखा जाता है कि इनसाइड का टेम्परेचर भी कितना है, तो ये थोड़ी सी बस अपनी कूलिंग ही कम करेगा, लेकिन आपको कूलिंग एकदम बरकरार इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ये जो 1.5 टन का एसी है, इस एसी को आप जैसे कि इसका आप विंडो देखेंगे तो थोड़ा सा स्मॉल साइज के अंदर आपको कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर मिल जाएगा, तो इस एसी को आप कहीं भी आप लगा सकते हैं। कहेंगे स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहां पे भी आप इस एसी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आपको एसी मिल जाएगा। बात करते हैं कि कितने बड़े रूम के अंदर आप इस एसी को लगा सकते हैं, कि कॉम्पैक्ट डिजाइन में कूलिंग कैपेसिटी भी आपको अच्छी मिल रही है, तो कितने बड़े रूम में लगा सकते हैं। तो जो 1.5 टन का एसी है दोस्तों, इस एसी को आप जो लगा सकते हैं 170 स्क्वायर फीट तक आप लगा सकते हैं, 140 से लेकर के 170 के बीच का अगर आपका रूम है तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपका टॉप फ्लोर और सन फेसिंग भी ज्यादा है तो इसका एक और मॉडल आता है जो लार्ज इंडोर के साथ में आता है, फिर आप वहां वो लगाएं, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट के आसपास की है, तो वहां वो एसी लगाएं, वहां फिर ये वाला मॉडल ना लगाएं। इसका एक और दूसरा मॉडल है जो लार्ज इंडोर के साथ में, वहां फिर वो इंडोर लगाएं, क्योंकि दोस्तों बड़ा इंडोर मिल जाएगा और सन फेसिंग ज्यादा रहेगी तो आपको कूलिंग बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। और दोस्तों इस एसी के अंदर आपको काफी सारे मोड मिल जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर आपको टर्बो मोड मिल जाएगा। टर्बो मोड जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो ये इंस्टेंट कूलिंग चालू कर देगा। जैसे गर्मियों के सीजन में जब कभी हम बाहर से आते हैं तो आते हैं, जैसे फैन ऑन करते हैं, कूलर चालू करते हैं, तो तुरंत आपको ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है। सेम है जिसके अंदर भी आपको टर्बो मोड मिल जाता है, जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो इंस्टेंट इसके अंदर भी आपको कूलिंग चालू मिल जाती है। क्लीन एयर फिल्ट्रेशन के साथ में रहेगा, यानी कि जैसे हमारे जो फिल्टर होते हैं वो चॉक हो जाते हैं, तो हमेशा वैसे भी हमें फिल्टर विद इन 15 डेज के अंदर अंदर ना, या विद इन 7 डेज हमें फिल्टर अपने नॉर्मली क्लीन कर लेने चाहिए, क्योंकि ऊपर जब एयर से जब ऊपर की तरफ से एयर सक होती है तो ना हमारे इन्वायरमेंट में ना डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो डस्ट ना ऊपर चिपक जाती है, जिसकी वजह से एयर सक कम होता है तो एयर फ्लो आपको कम मिलता है। तो आप हमेशा ना ऊपर से फिल्टर ओपन करके इसके फिल्टर आप क्लीन कर लें विद इन 7 डेज वगैरह, साइड से आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो फिल्टर आपके बाहर आ जाएंगे, तो आप नॉर्मली इसके फिल्टर आपको ना क्लीन कर लेना चाहिए विद इन 7 डेज, जिससे कि आपको एयर एकदम प्रॉपर मिलती रहेगी। आप अपने फिल्टर क्लीन करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपको कूलिंग भी अच्छी मिलती रहेगी, हेल्थी एयर आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको डबल फिल्ट्रेशन मिल जाती है, HD फिल्टर और कार्बन फिल्टर, जो कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह को दोस्तों डिसइंफेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपको प्योरली एयर मिल जाती है आपको रूम के अंदर दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके अंदर लो गैस डिटेक्शन का एक फीचर मिल जाएगा, जिसका फायदा होगा कभी इस एसी के अंदर गैस निकलती है इंडोर या आउटडोर के थ्रू, तो यहाँ पर एक एरर कोड मिल जाएगा इसकी जो हिडन डिस्प्ले होगी उसके अंदर, तो आप जब कंपनी में कॉल करेंगे जैसे आप उसको कोड बताएंगे तो इंजीनियर जो आपके घर पे विजिट करेगा तो उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा और तुरंत ही एसी बंद भी हो जाएगा। जैसे ही लीकेजिंग स्टार्ट होगी ये एसी बंद हो जाएगा, तो इसमें आपकी गैस ज्यादा निकलेगी भी नहीं, हल्की फुल्की टॉप अप होगी जब नेक्स्ट इंजीनियर आपके यहाँ पे विजिट करता है दोस्तों। इस एसी की आपको वारंटी काफी अच्छी मिल जाएगी, इसमें आपको 1 ईयर कंप्लीट वारंटी मिल जाएगी, 5 ईयर इसकी पीसीबी की वारंटी मिल जाएगी और 10 साल की मिल जाएगी दोस्तों इसमें आपको इसके कंप्रेसर की वारंटी। तो आज इसमें वारंटी भी काफी अच्छी मिल जाएगी दोस्तों। आप अंडर बजट वाला कोई एसी लेना चाहते हैं जो कि स्प्लिट में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला हो, तो इस एसी के साथ आप आंख बंद करके बिल्कुल जा सकते हैं। ब्रांड बिल्कुल ट्रस्टेबल रहेगा, इंडियन प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि एसी कितने प्राइस के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये एसी अगर आप हमारी शॉप से परचेज करते हैं तो दोस्तों इस एसी का आपको प्राइस मिलने वाला है 32,500, और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें आपको इंस्टेंट 5% तक का कैशबैक भी मिल जाएगा और इजी ईएमआई ऑप्शन आपको मिलने वाली है। इस एसी के साथ में एक आपको रिमोट मिल जाएगा और आपको दोस्तों कनेक्टिंग पाइप मिल जाता है जो कि कॉपर का होता है, 10 फीट का कॉपर पाइप आपको मिल जाता है। इंस्टॉलेशन के चार्जेस इसमें अलग होते हैं दोस्तों। अभी दिल्ली के अंदर कंपनी 999+ GST चार्जेस कर रही है, बाहर स्टेट्स में कंपनी 200-300 रुपए का फर्क रखती है। तो ये अभी आपको एसी मिल जाएगा, हमारी शॉप पर राइट नाउ अवेलेबल है। अगर ये एसी आप परचेज करना चाहते हो हमारी शॉप आ जाएगी ईस्ट दिल्ली, मेरे फेस दिल्ली में शॉप आ जाएगी और मेरे पास आपको सारे ब्रांड के एसी मिल जाएंगे, जिनमें हमारे पास में अट्रैक्टिव आपको प्राइस मिल जाएगा और सभी एसी के अंदर आपको दोस्तों प्राइस काफी अच्छा दे देंगे, मार्केट से भी बढ़िया दे देंगे आपको। तो ये है इन एसी के बारे में। अगर इनके अलावा कोई एसी परचेज करें तो आप वो भी कर सकते हैं, हमारी जो शॉप आ जाएगी मयूर विहार फेस 3 ईस्ट दिल्ली में हमारी शॉप आ जाएगी, आप ये प्रोडक्ट डायरेक्टली हमसे परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पर आपको अपने की तरह से मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।